जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम लोग नाउन नंबर का क्वेश्चंस कर रहे थे और उसी के एक सीरीज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लगा हुआ है, आपको इसका करना क्या है, सिंगुलर फॉर्म से प्लुरल फॉर्म में इसे एक्सचेंज करना, ठीक है। यानी कि एक वचन से बहुवचन में एक्सचेंज करना, यानी कि इसके बनाना है आपको। और सारे आपके जो क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखे हुए और बारीकी से आप क्या करें, इसे कॉपी में नोट डाउन करें, जल्दी जल्दी बना दें। जिसकी हिंदी इसकी पता नहीं हो, यहाँ पे जो भी वर्ड दिखाई दे रहा है, इस वर्ड का हिंदी मीनिंग यानी कि हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है वो नहीं आपको पता है, आप फटाफट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी साथ ये करो, बहुत खूब दोस्तों। इस सेशन को क्या करो, अपने सभी साथियों के साथ, आपके जो भी जानने पहचानने वाले हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी कुछ बेहतर कर पाए, कुछ नया सीख पाए, ठीक है। चलो, यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ लेडी, आपने बहुत बार सुना होगा लेडी। लेडी का मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने समझ रहे हो ना, सी एच डबल एस ये वाला जो था रूल और एस वाला जो रूल था, वो रूल पे जो क्वेश्चन थे हमारे बेस्ट क्वेश्चन थे, हमने वो करवा दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है इनसे। चलो, लेडी, लेडी का मतलब क्या होता है, लेडी का हिंदी औरत नहीं होता, लेडी का मतलब होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है ना, उसी को लेडी लेडी में रखते हैं, ठीक है। और जो सिटी, देखो सिटी और टाउन भी होता है, टाउन मतलब भी सिटी शहर होता है और सिटी मतलब भी शहर होता है। जो टाउन होता है ना साथियों, जो सिटी होता है जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए सिटी के यूज करते हैं, टाउन आपके जैसे इलाके में रहते हो गए, जैसे मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो वहाँ एक टाउन होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं। लेकिन सिटी जैसे बड़े बड़े शहरों को हम लोग सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का मतलब सही होता है, दोनों का यूज करोगे तो सही होगा स्पोकन में। अच्छा, स्टोरी, स्टोरी मतलब होता है कहानी। जैसे मैं अभी इसके बारे में जो रूल होगा, रूल का हम क्या किए थे आपकी पिछले क्लास में, इसकी स्टोरी बताए थे, सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनता है वो एक्सप्लेन करना, यानी कोई भी चीज़ों को आपके मतलब अपने लैंग्वेज से आपके पास पहुँचाना स्टोरी होता है, ठीक है। स्टोरी का मतलब आप जब नरेशन पढ़ोगे ना, वहाँ भी क्या करते हैं, एक वक्ता होता है आपसे कथन को प्रयुक्त करता है। बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का, जैसे मैं हूँ, ठीक है। हम लोग किताबी जो किताब में हिंदी दिया हो तो उसमें उसका हम मतलब समझेंगे, तभी एक्चुअल में हम इंग्लिश के साथ खेल पाएंगे, ठीक है। और जो टॉय, टॉय मतलब होता है खिलौना, ठीक है। और खिलौना एक हम लोग वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, कैसे, तो कहते हैं ना कि हम लोगों का जिंदगी खिलौना हो चुका है, यानी कि हमारा जो लाइफ है वो गेम खेल रहा है। कहते हैं ना, देखना कितने आदमी लाइफ से उग जाता है, परेशान हो जाता है, तब उस सेंस में वो क्या कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो हो क्या हो गई है, खिलौना के जैसे हो गई है। तो ये टॉय का मतलब, यहाँ पे जो टॉय का मतलब है, जो बच्चा खिलौना खेलता है ना, उस टॉय की बात हो रही है, ठीक है। आ जाओ, हीरो, हीरो मतलब होता है नायक, हीरो मतलब नायक होता है, जो भी कुछ अपने आप में उसके अंदर क्वालिटी हो, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला एनर्जी वाला क्वालिटी हो, उसे हीरो करते हैं। तभी जाके आपका जो हीरो होंडा बाइक पे चढ़ते हो जो हीरो का, उसका नेम क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हीरो का मतलब बाय द वे नायक होता है। चलो, मैंगो, मैंगो मतलब आम होता है, फल का नाम है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फोलियो, फोलियो का मतलब होता है जैसे कि पोर्टफोलियो, सुने ना, उसी वर्ड से इसको क्या किया गया, ड्राइव किया गया है। कुक्कू, कुकू मतलब बताओ साथियों, आप लोग फटाफट कमेंट करो, आपको आ रहा है कि नहीं समझ में, जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप शायद कोई ऐसे भी स्टूडेंट हो जो लाइव नहीं जुड़ते होंगे, ऑफलाइन जुड़े, ठीक है, तो वो भी कमेंट करेंगे अपने कि हाँ मैं सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके भी हम डाउट्स जो होंगे सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, लाइव में आकर ज्वाइन करो, और लाइव में आकर क्वेश्चन पूछोगे तो हम ज़्यादा आपको बता पाएंगे, समझ रहे हो ना। फोटो, फोटो मतलब आपका साथियों, फोटो जो कुछ भी जैसे क्लिक करवाते हो, ठीक है, जो कुछ भी क्लिक करवाते हो, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा वीडियो बन रहा है, बाय द वे मैं इसे यहाँ पे आकर के एंगल पे खड़ा हो गया और कोई मेरे से क्लिक कर रहा है, तो उसी को फोटो बोलते हो, जो फोटो फॉर्म में क्लिक होता है। पियानो, पियानो क्या होता है, जैसे शादी ब्याह हम देखते हो गए पियानो बजता है, उसी को हम पियानो बोलते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और देखो साथियों, एक बात पता होना चाहिए, आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस है ना, शाम 5 बजे से है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, टेलीग्राम में जुड़े होते हैं, उनके पास क्या होता है, नोटिफिकेशन चली जाती है और वो उसी टाइम जाते हैं, और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अभी क्लास चली नहीं रही है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं,
वो कहते क्लास चल ही नहीं रही। साथियों आपकी जो टाइमिंग है 5 बजे, तो 5 बजे ही चलेगी। आपको इसलिए दे दिए जाते हैं कि शायद आपके पास यूट्यूब अगर नोटिफिकेशन नहीं देता है तो आप इसके जरिए वहाँ पे आप हमारे लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, इसके लिए वो आपको दिया जाता है। आज हम यहाँ पे है हाफ, कहीं में सुने होंगे हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, यानी कि हम लोग कहते हैं ना हाफ के जी, मतलब हमें हाफ ही दीजिएगा, कोई भी चीज़ में हाफ यूज करते हैं, यानी कि आधा के लिए, ठीक है। आज ये लीफ, बताओ लीफ मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे देखे हो ना, पेड़ पौधे सभी को देखे हो ना, उसका पत्ता को बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपका साथियों? रूफ, बताओ रूफ किस किस ने देखा है? रूफ भाई, रूफ देखा जा सकता है, तू अभी जा सकता है, उस पर हम लोग सारे काम करते हैं। रूफ किस किस को पाता है? रूफ किसे बोलते हैं यार? साथियों आप सभी के घर मकान बना होगा, छत, उसी को रूफ बोलते हैं। सेफ, सेफ मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना अभी सेफ जोन में, जैसे अभी हम लोग का कुछ मंथ्स पीछे चले तो हमारी एक पास पेंडेमिक सिचुएशन थी और गवर्नमेंट हम लोग क्या बोलती थी कि हम लोग अब सेफ जोन में आ चुके हैं, यानी कि हम लोग की एक ऐसी जोन भी आई थी जो बहुत डेंजरस थी, लेकिन वहाँ से हम लोग क्या थे? सेफ जोन, यानी कि सुरक्षित वाली। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। एज अ बिलीफ, जैसे आपके बिलीफ क्या है अपने ऊपर कि हाँ मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं कहीं भी समय दे रहा हूँ जिस भी सब्जेक्ट पे, तो मैं उसमें क्या हो जाऊँ? माहिर बन जाऊँ। तो ये आपकी बिलीफ है। बिलीफ का मतलब होता है साथियों विश्वास, ठीक है। मैन, मैन मतलब क्या होता है साथियों? बताओ साथियों, ये सबको के पता होना चाहिए कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और साथियों आपको देखो इन सब की हिंदी तो आप कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि एक बार तो आप सुन रहे हो मेरे बातों को, फिर नोट डाउन करोगे तो आपको जो माइंड है ना, ये सबकॉन्सियस माइंड में जब चला जाएगा ना, फिर वो डिलीट नहीं होता। कैसे मैं बता पाता हूँ, एक्सप्लेन कैसे कर पाता हूँ? मुझे सिर्फ ये बॉय बॉय मतलब लड़का ही याद रहता ना, लेकिन मुझे पता है इन सब की चीज़ों को जब रिकॉल करोगे ना दो तीन बार चार बार पाँच बार, वो सबकॉन्सियस माइंड में चले जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक जब देखोगे ना तो ऑटोमेटिक निकलने लगते हैं, समझ रहे हो ना? अच्छा, जैसे टूथ यानी कि दांत, समझ रहे हो ना? सब कोई के पास दांत होता है, और एक ऐसा भी समय आता है कि हमारी जो दांतें होती है यानी कि टूटने लगते हैं। जैसे देखो दो अवस्थ में टूटता है, एक तो जब हम थोड़ा सा मॉडरेट होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा अवस्था आता है जो हमारा एक बचपन का दांत होता है, मतलब जो टिल बर्थ, यानी कि जब जन्म से जो हमारा एक दांत होता है ना वो टूटने लगता है, एक समय ऐसा आता है, फिर एक न्यू दांत की उत्पत्ति होती है, ठीक है, यानी कि उसकी बॉर्न होती है। और जो एक बुढ़ापा आता है वहाँ पे भी हमारी दांतें जो होती है ना वो टूटने लगती है, यानी उसे लोग बोलता है देहात में झड़ने लगती है, ठीक है। क्या मतलब होता है दांत? ऑक्स, ऑक्स मतलब बताओ साथियों? पहले हम लोग इसके यूज करते थे खेतों में जुताई के लिए भी, बैलगाड़ियाँ चलाने के लिए भी, इनसे बैल बोलते हैं, ऑक्स मतलब, ठीक है। आ जाओ चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, सब कोई पहले बच्चा ही होता है, फिर धीरे धीरे लड़का में कन्वर्ट होता है, फिर मैन में कन्वर्ट होता है, फिर किसी ऐसा अवस्था आता है फादर में, फिर वैसे ऐसे होता है, ठीक है। सब कोई पहले शुरुआत में चाइल्ड ही होता है, ठीक है। चाइल्ड एक कॉमन वर्ड है, मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए भी यूज होता है, ठीक है, ये चीज़ों को समझना है। देखो मदर इन लॉ सासू माँ होता है, फादर इन लॉ जो ससुर जी होते हैं, मैन डॉक्टर यानी कि पुरुष, डॉक्टर मतलब डॉक्टर ही होता है, फिगर मतलब हिरन होता है, और इनिंग, जैसे आप किसी भी चीज़ को खेलते हो ना उसको बोलते हैं इनिंग, जैसे इनिंग यानी कि पारी, वो समय अवधि होता है, इनिंग उसे बोलते हैं। और आपको ये काम करना होगा जल्दी से, इसका आपको अब सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, सभी को फटाफट क्या करो, इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कोशिश करो। और रूल जितने भी इसके रूल थे सारे मैंने बता दिए थे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य होता है कि जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं इनको आप विद इन सेकेंड में सॉल्व करने की प्रयास करें। जल्दी जल्दी सभी को करो कमेंट, अपने अपने आंसर करो, और कॉपी में भी बनाना चाहते हो, ठीक है। तब तक मैं बता रहा था तो आपको कॉपी में भी बनाना था आपको, ठीक है। चलो इसका जल्दी से आप लोग प्लेटफॉर्म कमेंट, यानी कि जहाँ पे चैट चल रहा है वहाँ पे आप सभी को कमेंट बॉक्स में से कमेंट करो जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात, इन सारे चीज़ों को रूल बताऊंगा साथियों, आपके सारे चीज़ फिर से रिविजन हो जाएंगे। नहीं भी जो बच्चा पढ़ा होगा ना उसको भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीख गया, कुछ हमारे अभी नए स्टूडेंट भी जुड़े होंगे, ठीक है, कुछ पुराने भी होंगे, कुछ बीच में गैपिंग भी किए होंगे, सभी के लिए मैं एक ही काम करता हूँ, जो कुछ ही पढ़ाता हूँ ना, जो भी क्वेश्चन कराता हूँ फिर से मैं रूलों को क्या करता हूँ आपको याद दिलवा देता हूँ, ठीक है, ये काम करो। देखो पहला वर्ड है लेडी, क्या साथियों? लेडी,
अब देखो आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था, बताओ जब कोई नाउन वाई से समाप्ति करे, क्या करे साथियों, वाई से समाप्ति करे, तब हम लोग वहाँ क्या करते थे, जल्दी से कमेंट करो, मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करो साथी, जल्दी जल्दी बताओ। हमने आपको बताया था ना कि जब कोई वर्ड यानी कि नाउन, वर्ड का मतलब हम क्या बता रहे थे, वर्ड का मतलब नाउन, क्योंकि हम लोग नाउन नंबर ही तो पढ़ रहे हैं, हम लोग नाउन नंबर ही तो पढ़ रहे हैं, कोई तो वर्ब का तो नहीं पढ़ रहे ना, प्रोनाउन का तो नहीं ना पढ़ रहे, हम लोग नाउन का पढ़ रहे हैं, तो नाउन का ही जिक्र होना चाहिए, समझ रहे हो ना, यहाँ पे नाउन का ही जिक्र करना, दूसरे शब्दों का नहीं, वरना फंस जाओगे, उलझ जाओगे, समझ रहे हो ना। हम लोग करते क्या है कि एक ही दिन में सारी चीज़ सीखने के प्रयास में लग जाते हैं, जिससे हम इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते, सबकी सीक्वेंसेस होती है साथियों, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखे जाते हैं, समझ रहे हो ना। अभी हम लोग नाउन नंबर पढ़ रहे, जब हम प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी सिंगुलर फॉर्म होते हैं, प्लूरल फॉर्म होते हैं, तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने बताया था कि जब कोई नाउन वाई से समाप्ति करता है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए हम उस वाई को हटा देते हैं, और बताओ हम लोग क्या करते हैं, बताओ हम लोग उस वाई को हटा करके आई में चेंज करते हैं, फिर ई एस लगा देते हैं, यानी कि सीधा सीधे बात बोले तो आई ई एस लगाते हैं, आई ई एस लगा देते हैं साथी, क्या करते हैं साथी, वो आई ई एस लगा देते हैं, बताओ तो ये क्या हो जाएगा, लेडी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा साथी, बताओ जल्दी से, लेडीज नहीं हो जाएगा साथी, वो बताओ। हमने रूल बताया है कि जब कोई जनरल फॉर्म में वाई से कोई नाउन एंडिंग करे यानी कि वर्ड की समाप्ति हो, हम उस वाई को आई में चेंजिंग करेंगे, फिर उसके साथ ई एस लगा देंगे, हम डायरेक्टली वे में बोले कि वाई को हटाओ और आई ई एस, फिर से सुनो, आई ई एस लगा करके हम प्लूरल बना देंगे ना, समझ रहे हो ना साथियों आप सब, हम उसका क्या कर सकते हैं, वाई को हटा करके प्लूरल बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साथियों, लेडी का लेडीज, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है सिटी, अब सिटी का प्लूरल आप सब बनाओ, क्योंकि इसका रूल मैंने फिर से रिविजन करवा दिया आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करो साथियों, फटाफट करो जल्दी, एकदम कमन फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका आंसर सिटी वाला का क्या होगा। बहुत खूब अमंतिका जी, मनोज, विकास, बहुत खूब। अच्छा देखो अभी हमने रूल पढ़ा कि वाई को हटाकर क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग आई ई एस, प्यार से सुनना, आई ई एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा साथियों, सिटीज हो जाएगा, ठीक है। आप यही रूल पे रहना, रूल को रूल से भटकना मत, ठीक है। स्टोरी, स्टोरी में भी यही करोगे, कमेंट करो स्टोरी के क्या बनाओगे, ठीक है, ऐसे ही बनाओगे साथी, वहाँ भी क्या करोगे साथी, वो एस टी ओ आर आई ई एस। अब मुझे बॉय का प्लूरल बनाओ, अपने तो रूल सीखा तो वाई देखेंगे हम लोग आई ई एस लगा देंगे, तो क्या आप बॉय का प्लूरल, बॉय का प्लूरल आप वाई को हटा करके आई ई एस लगा दोगे क्या, बॉयज कर दोगे क्या, बॉयज कर दोगे क्या, बॉयज ऐसा लिखोगे क्या, तो साथियों अगर ऐसी आप सोच रहे हैं तो आपकी ये वर्ड गलत हो जाएंगी, और इसकी मैंने कंसेप्ट भी बताया था आपको, बहुत बारीकी से समझाया था, तो पहले काम ये करना होगा ना आपको, जो भी हमारे स्टूडेंट उस वाले यानी कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था इसका जो मैंने कंसेप्ट बताया था नहीं देखे हो ना, पहले जाकर प्यार से उसे देखना, ठीक है, बाय द वे यहाँ बताऊँगा लेकिन उसे देखोगे ना तो और आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाय द वे हम बताया था अगर इस वाई के ठीक पहले वॉवेल लेटर हो, अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे कि वॉवेल लेटर भी नहीं पता होगा, आप सबसे शुरू वाला वीडियो लेक्चर देखो वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। जब वाई के ठीक पहले वॉवेल लेटर हो तो हम वाई के साथ आई, वाई के साथ ई एस नहीं लगाते हैं और वाई को आई में चेंज नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल सका करते हैं, वाई के बाद एस लगा देते हैं, यानी कि जो मूल वर्ड था उसके जस्ट बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस लगा देते हैं, कैसे, जब वाई के ठीक पहले वॉवेल लेटर हो तो हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे उस वर्ड में, हम लोग डायरेक्टली इसको रहने देंगे और उसके बगल में एस चिपका देंगे, जैसे ये वर्ड था बॉयज, वाई के ठीक पहले क्या था वॉवेल, हम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसे रहने देंगे और सिर्फ एस को चिपका देंगे, तो हमारा वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। अब बताओ हम लोग बॉयज को क्या कर सकते हैं साथी, बताओ बॉयज के ठीक पहले वाई के ठीक पहले क्या था हमारा वॉवेल था, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करेंगे एस लगा करके इसका प्लूरल फॉर्म तैयार कर लेंगे। अब बताओ किसी को दिक्कत हो तो,
भाई देखो, एक भी कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? छोटी सी भी छोटी सी, समझ ना, एक हाथ ही इतनी बड़ी रहती है, उसकी एक छोटी सी गलती, यानी कि उसके अगर सुर में एक चींटी चली जाती है साथी वो, तो उसके जान लेवा, यानी कि उसके लिए क्या होता है, खतरनाक साबित हो जाता है। तो आप मुझे जल्दी से टॉय का प्लूरल फॉर्म बना कर बताओ, इस टॉय का प्लूरल फॉर्म बनाओ जल्दी। जल्दी से टॉय का प्लूरल फॉर्म बनाइए साथियों, आपकी दायित्व है कि टॉय का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि अब भी उसी वक्त हमने आपको बताया, हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, वाई से पहले बवेल दिख जाए। मैंने क्या बताया साथियों, वाई से पहले कभी भी बवेल दिख जाए तो आप एस लगा देना, बता टॉय, यहाँ पर वाई है ना, वाई से ठीक पहले बवेल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, हम लोग क्या कर देंगे, ट्वाइज कर देंगे, टी ओ वाई और एस, बताओ करेंगे ना साथियों, कर देंगे ना हम लोग, आ जाओ ट्वाइज हो जाएंगे, आ जाओ। इसके बाद है हीरो, अब ये भूल आपका वाई वाला ख़त्म हो गया, और इसके जितने सारे क्वेश्चंस हो सके आपसे, दुनिया में कोई भी क्वेश्चंस हो, बस वन नाउन होना चाहिए, आप सारे बनाओ, सब बनेंगे आपसे। रामबन इलाज है भाई, सारे के सारे आपसे वो जो क्वेश्चंस होंगे सब सिमिलर से आप बना लोगे, ठीक है, धुआं का धुआं कर दोगे। देखना भाई, इसी क्लिप को काटना नहीं, बहुत सारे ऐसे हो जाते, ठीक है। आ जाओ हीरो, आ जाओ, क्या है हीरो, अब मुझे बताओ, हीरो ओ वाला आ गया, और ओ वाला में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, असलते मैं जब पढ़ाई करता था साथियों, ओ वाला में बहुत दिनों तक कंफ्यूज था, लेकिन आफ्टर 2017 यानी कि 2017 के बाद, 2017 में मैंने ज्वाइन किया था प्रोफेशनल कोचिंग का, वहाँ से मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट मेरे क्लियर हो गए वहीं से। अच्छा, तो ये जो ओ है, हमारा रूल बताता है, हमारा रूल कहता है, समझो साथियों, जब कोई नाउन ओ से समाप्ति करे, तो हम चुपके से उसके साथ एस लगा देते, हमारा रूल ये कहता है, जब कोई नाउन ओ से समाप्ति करेगा, तो हम चुपके से उसके साथ एस लगा देंगे, ठीक है, हम बुक का रूल को मान के हम काम करते हैं। चलो आ जाओ, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंगोज, साथियों क्या लिखा हुआ साथियों आपका, मैंगोज, अब मुझे बताओ मैंगो जो है वर्ड, सॉरी हीरो है, बताओ हीरो जो वर्ड है, अब इसके साथ मुझे बताना, इसके साथ कह रहा है रूल कि ईएस लगा देना, बताओ हीरोज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि रूल ये कहता है, बुक का सारे रूल ये कहते हैं कि जब भी आपको ओ दिख जाए, एक वर्ड ओ होता है, अगर वो दिख जाए तो उस वाले का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आप उस नाउन के साथ एस लगा देंगे, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। बातों को सुनना, सबकी कमेंट देखूंगा भाई, कमेंट के चक्करों मत पड़ो, पहले कंसेप्ट ख़त्म हो जाने दो, पहले ये वाला पार्ट तो ख़त्म होने दो, फिर आपके कमेंट का हम लोग रिप्लाई जरूर देंगे। अब देखो उसी तरह ओ से समाप्ति किया था मैंगो भी, ठीक है, हम इसका भी क्वेश्चन बनाने की प्रयास करते हैं, तो क्या हो जाएगा साथियों, मैंगोज, ठीक है, बाबा सही हो रहा है, मैंगोज भी सही है, ठीक है। लेकिन साथियों मुझे बताओ, फोलियो का कुकू का क्या प्लूरल फॉर्म होगा, ये जो फोलियो है, अब बुकों में तो एक्सेप्शन दे देता है भाई, भाई बुक जहाँ दिखता है मुझे एरर हो रही है, बुक ये सोचता है कि जहाँ मुझे एरर हो रही है, जहाँ मेरे से एरर हो रही है, तो वो क्या करेगा, कह देगा एक्सेप्शन से। मुझे आपको साथियों समझना पड़ेगा, एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन होते हैं, मानते हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है भाई, एक्सेप्शनल में हम लोगों में भी होता है, कुछ ऐसा हो जाता है केसेस जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उस पर काम किया जाता है, फिर वो एक्सेप्शन हट जाता है कुछ दिनों के बाद। देखो यहाँ पर फोलियो, तो रूल समझना, अगर ओ के पहले वोवेल लेटर हो, देखो ओ के पहले आई है वोवेल लेटर, तो जब भी ओ के पहले वोवेल लेटर आई दिख जाए, तो आप उसके साथ क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगाओगे। मैंने ये बोला साथियों, तब भी आपको इंटायर इन योर लाइफ अगर ओ के पहले
वॉवेल लिख जाए आप एस लगा लें, मजरूम आ जाओ। तो मैं यहाँ पे देखो मुझको ओ के पहले आई वॉवेल था, हम इसके साथ क्या करेंगे पोलियोज कर देंगे, सिर्फ एस और सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे कुकू ओ के ठीक पहले क्या था वॉवेल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों सी यू सी के डबल ओ एस कुकूज कर देंगे। अब कोई एस मत लगा देना इसके साथ। अब मुझे बताओ फोटो और पियानो का प्योर फॉर्म क्या होगा। देखो साथियों आपके दिमाग की ये बत्ती जो होती है ना वो खुलेंगी। इतने दिन से आप रट्टा रट्टा या चीज़ें पढ़ते आ रहे होंगे, मुझे पता है। अरे साथियों मैं ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ, एक जगह नहीं बहुत जगह हमने काम किया है, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम कर सकते बच्चे, क्योंकि फ़ोटो। अब मुझे बताना फ़ोटो के साथ यस नहीं लगता है तो इसका क्या रोल है। पियानो को जरा प्लेटफॉर्म बनाना था ना, मैं भी देखो पियानो के प्लेटफॉर्म क्या बनाते हो साथियों आप सब। भाई फोटो को क्या ऐसे कर दोगे क्या, पी एच ओ टी ओ ई एस ऐसे बनाओगे क्या, ई एस लगाओगे क्या, तब तो गलत हो जाएगा। तो समझो रूल ये कहता है, ये रूल नहीं मिलता सारे जगह समझ लो, रूल ये कहता है कि जब कोई भी नाउन वो से समाप्ति करे और उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड हो और वो से समाप्ति करे, यानी कि ओ ओ से समाप्ति करे, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं। उससे मतलब नहीं होता है कि वर्ड वॉवेल लेटर से समाप्ति कर रहा है कि कॉन्सोनेंट से समाप्ति कर रहा है, उससे हमको मतलब ही नहीं रहता है। कि वर्ड वॉवेल से कर रहा है कि कॉन्सोनेंट से कर रहा है, हम उसके साथ चिपके से एस लगा देंगे। अगर वॉवेल से करता होगा तो एस लगाएंगे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट से कर रहा होगा तो तब भी हम एस ही लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई वर्ड ओ वाला वर्ड समाप्ति करे आप उसके साथ एस लगाओगे, ना कि ई एस। बताओ साथियों यहाँ पे फोटो के साथ एस लगाओगे कि ई एस लगाओगे। अब तो सभी साथी कहेंगे सर जी एस लगा दो, बोलोगे ना साथियों आप सभी। देखो भाई इतने 20, 22, 10, 15, 18, 20, 23 लड़के जुटने से क्या होंगे। ये मुझे पता आप लोग ऑफलाइन में सभी बच्चे देखते हो, आई नो वेरी वेल, बट मैटर इज दैट भाई आप लाइव क्लास में भी जुड़ो। आज पियानो देखो, पियानो क्या होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है ना, फोटो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, इंस्ट्रूमेंट है यानी कि टेक्नोलॉजी का नाम है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में आता है, तो पियानो के साथ भी क्या लगा सकते हैं साथियों, एसी लगाएंगे। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो साथियों, किसी को परेशानी हो तो टाइमिंग थोड़ा देख ले साथियों आपकी, आ जाओ। हाँ देखो मैंने सिखाया था एफ डबल एफ, ठीक है, एफ ई वर्ड से जब समाप्ति करता है तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए साथियों हम लोग बी ई एस के लगाते हैं, बी ई एस बी ई, यानी कि एफ डबल एफ एफ ई को वी में चेंज करते हैं, बी समझते ना, वी वी आप लोग वी बोलते हो, हम लोग वी बोलते हैं, ठीक है, तो वी ऐसा होता है, उसे हम लोग एफ या डबल एफ या एफ ई को क्या करते हैं वी में चेंज करते हैं और उसके साथ एस, यानी कि उसके साथ वी में चेंज करके फिर ई एस लगा देते हैं। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं, अभी तक इसके एक्सेप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं आया है, आएगा जैसे जैसे हम लोग सर्च करेंगे, हमारे गुरुजन सर्च करेंगे, हमारे जो जानने हमारे सर लोग सर्च करेंगे, फिर हम लोगों का उसके बारे में कुछ अध्ययन होगा तो हम लोग जरूर आपको बता देंगे, तब तक आप भी सियाने हो जाओगे। अच्छा तो हाफ हाफ मतलब क्या होता है इसके, बताओ एफ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एच ए एल वी ई एस कर, ठीक है, लीफ एल ई ए वी ई एस करते, क्योंकि एफ को वी में चेंज किया फिर ई एस लगा दिया, इस एफ को वी में चेंज किया और फिर ई एस लगा दिया। जैसे रूफ, अब देखो रूफ के साथ बताओ क्या लगेगा। भाई रूफ एक आपका एक्सेप्शन में आता है, रूफ वर्ड है एक्सेप्शन में आता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएगी फिर आपको हम लोग बता देंगे। कि पीछे कॉन्सोनेंट वॉवेल का कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो यहाँ पे वॉवेल था यहाँ भी कॉन्सोनेंट था, फिर भी वही बात आया, लेकिन यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट से काम ही नहीं चल रहा था,
इसके बारे में रिसर्च से होंगे बहुत ज़्यादा, फिर आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे। आ जाओ, रूफ का क्या हो जाता है साथियों, रूफ्स हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देते हैं, सेफ का भी सेफ्स हो जाता है, समझ रहे हो ना। अब देखो बिलीफ, बिलीफ मतलब विश्वास, कभी क्या होता है साथियों बिलीफ्सिंग हो जाता है। आ जाओ मैं इस साइड खड़ा हो जाऊँ, ठीक है आ जाओ। अब देखो मैन, मैंने बताया था आपको रूल, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं साथियों जिनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उनके वर्डों में चेंजिंग, यानी कि उनके वोवेल लेटर, उनके अंदर जो वोवेल लेटर होता है उनमें चेंजिंग किया जाता है, तो उसका सिंगुलर से हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे देख लो मैन का हो जाएगा मेन, टूट देखो ए था, यहाँ पर वोवेल में चेंजिंग किया, यहाँ में वोवेल है तो क्या हो जाएगा टी डबल यू टी एच। अब ऑक्स और चाइल्ड का बात सुनो, हमने ये भी पढ़ा था कुछ ऐसे नाम भी होते हैं ना उनमें कुछ वर्डों को जोड़ करके हम उनके क्या करते हैं सिंगल से प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स, ऑक्स में हम लोग क्या करते हैं ई एन को जोड़ करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड्रन में क्या करते हैं हम लोग, चाइल्ड तो हो गया आर ई एन, एक्स्ट्रा वर्ड तीन जोड़ते हैं, यानी कि कोई वर्ड जोड़ करके और उससे हम लोग क्या करते हैं प्लूरल बनाते हैं। आ जाओ यहाँ पे फादर इन लॉ, इसका भी आपको रूल बताया था हम, ऐसे तो बुक कहती है कि जो मेन वर्ड हो उसके उसमें ही हम लोग एस या एस, मतलब इसमें मूल जो यानी कि जो मेन वर्ड हो इसमें उसी में हम लोग एस लगा करके इसका क्या करते हैं प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लेकिन आपको मैंने याद करने के लिए बताया था कि जो बड़ा वाला वर्ड हो तो इसमें बड़ा आपको जो अक्षर लगे जिसमें ज़्यादा लेटर हो उसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके हम लोग बना सकते हैं। बताओ यहाँ पर फादर्स में एस लगे कि नहीं, इसमें एस लगा दो फादर्स में, और उसके बाद कर दो फादर्स इन ला। अब मदर्स में भी एस लगा दो, यहाँ पे मदर्स इन ला हो गया, फिर यही बना लो। मैन का क्या हो जाएगा साथियों, मेन डॉक्टर, बताओ मैन डॉक्टर है तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा मेन डॉक्टर्स, क्योंकि हमने सीखा था दोनों में हम क्या करते हैं साथियों परिवर्तन करते हैं, नहीं नहीं एक ही में होगा मैन डॉक्टर। आ जाओ डियर आपका सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है, मैंने बताया था आपको रूल, इनिंग भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। तो साथियों ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन, और जो कुछ भी इसके अलावा बच जाएंगे वो आपको साथियों टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब इसको काम क्या करो साथियों, आप फटाफट इसे नोट डाउन करो, जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करो। और मैं बता दूं आपको साथियों कि हम लोगों ने बहुत प्यार से बेसिक कंसेप्ट सीखा, सेंटेंस को सीखा, इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहचानना सीखा, ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखा, नाउन के टाइप्स भी सीख लिया, नाउन को हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किया, प्रैक्टिस भी किया, और नाउन नंबर को हम लोग आज एंड भी कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया जो बेसिक रूल थे, ठीक है। और एडवांस रूल आपके साथियों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके जनरल वे जितने एग्जाम होते हैं वहाँ नहीं पूछे, ठीक है। अच्छा तो वो आपके कंसेप्ट कहेंगे तो बता सकते हैं, बट वो कमेंट करके बताओ पढ़ाया जाएगा कि नहीं, ठीक है। जब आपके ज़्यादा कमेंट आएगी फिर उसे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको सोच रहे हैं बताओ केस पढ़ा दें या जेंडर, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा दूंगा ना फिर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। देखो पहले ही आर्टिकल पढ़ा देता आपको ना, क्योंकि आर्टिकल कहाँ लगाते हो, नाउन के लिए लगाते हो तो नाउन आना जरूरी था, ठीक है। आप वर्ब कहाँ यूज करते हो तो नाउन के साथ ही वर्ब यूज करते हो, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट होता है, हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे प्लूरल, नाउन में हमको सिंगुलर प्लूरल आना चाहिए था। जेंडर भी पता होना चाहिए, अभी तो उसके साथ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, यानी कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें सीख जाओ, फिर उसके बाद हम लोग प्रोनाउन भी सीखेंगे, वर्ब भी सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो इसके अलावा कुछ भी बच जाए वो टेलीग्राम बहुत जल्द दे दिए जाएंगे, ठीक है साथियों। अभी कुछ हमारी काम चल रही है हम लोगों के ऊपर, ठीक है, तो वो देखिए विद इन कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और साथियों एक चीज़ इधर स्पोकन के लिए, स्पोकन क्लासेस बहुत जल्द, स्पोकन का आपका सीरीज जो है बहुत जल्द हम लंच कर उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके लिए कुछ बनाया जा रहा है कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद स्पोकन भी आपके कराए जाएंगे। और कमेंट में लिखना हैशटैग स्पोकन, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना अंत तक देख रहे हैं वो लिखेंगे हैशटैग स्पोकन, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतने ही जल्दी इसकी सीरीज लाया जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन है उसे ऑल कर देना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताना है इस चैनल के बारे में, यहाँ पर मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस बिल्कुल फ्री में चलती है, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बस
अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।